बिहार सरकार की जमीन पर अवैध अतिक्रमण हटाने जाने को लेकर आक्रोश। फिर भी आज टूटे अवैध अतिक्रमण झोपड़ियां, रह रहे लोग बोले, नीतीश सरकार के शासन में लोगों को बरसात में हटाया जा रहा है, लोग कहां जाएंगे? ऐसे में सरकार को कुछ दिन का समय देना चाहिए। कोरोना वायरस, वही बारिश का मौसम ने इन दिनों जिले में प्रशासनिक गतिविधियां भी काफ़ी तेज़ हो गई है। इसी दौरान बक्सर शहर के पीपी रोड स्थित सती घाट के पास रजिस्ट्री ऑफिस के पास पिछले कई वर्षों से झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को प्रशासन ने पहले जगह खाली करने का नोटिस दिया था और फिर जगह खाली नहीं किए जाने पर हटाने की कार्रवाई आज किया गया। मौके पर पहुंची प्रशासन को इस दौरान लोगों के विरोध का भी सामना करना पड़ा। लोगों का आरोप था कि जब काफ़ी लंबे समय से रह रहे हैं और ज़मीन का भाड़ा दे रहे हैं तो ऐसे में कुछ लोगों ने अपना कागज़ भी दिखाया, पर वो अमान्य था। बक्सर नगर थाना बक्सर अंचलाधिकारी सहित कई पुलिसकर्मी पहुंचे। जेसीबी से आज कुछ खाली झोपड़ियों को हटाया गया। जिसमें परिवार था उसे बोला गया कि खाली कर दे समय से पहले। इस दौरान अतिक्रमण जगह कर रहे लोगों से में काफ़ी आक्रोश दिखा गया। अंचलाधिकारी ने कहा कि पहले लोगों को नोटिस दिया गया था लेकिन लोगों ने जगह खाली नहीं किया, जिसको लेकर आज कार्रवाई की गई है। रिपोर्ट CNB न्यूज बक्सर। सारे ऑफिस बनेंगे और जैसा कि जनवरी में भी आप आए थे, बताए थे कि आप फिर बुखार बढ़ाता है, जो हमने का मार्ग बढ़ गया था नेतागिरी कर रहा है, विकास को रोक रहा था। अंत में हम लोग जो कदम उठा है उसके साथ क्या देखा है, जो पहले सरकार है लोगों कहाँ जाएंगे? अभी व्यवसायी वाले जो रहे हैं उसको बताएंगे नहीं तो बनेंगे, जो व्यवसाय करें अपना घर जाए उनको व्यवस्था संस्थान के लिए लड़ना पड़ते हैं। ऐसे स्थिति में बरसात आने वाली है, ऐसे स्थिति में ये लोग कहाँ रहेंगे? अभी सबका अपना अपना घर है, यहाँ व्यवसाय करने के लिए जिसका घर नहीं है उसके लिए जमीन पर्याप्त मिलेगा? जमीन मुहैया भी देख लिया गया और बसने के लिए भी बताया भी जाएगा, जिनको नहीं डिस्टर्ब करेंगे, जो जिनको बस एकदम नहीं है। दस दिन के नोटिस में बिना सिविल कोर्ट के हमको न्याय मांगने का भी कहीं हक मांगने का भी हमको मौका नहीं मिला है और प्रशासन गुंडागर्दी करके हमारा रोजी रोटी 30 बरस से कोरोना महामारी में भूखे मर रहे हैं, हम खाने का और कर्ज लेकर हम जी रहे हैं और उसमें हमारा रोजी रोटी छीना जा रहा है। हम कहाँ जाएंगे, किसके दरवाजे पर जाएंगे? अपना इतना कीमती सामान, इसमें जो भी हमारा है जीवन भर का कमाई जो हम लगाए उसमें, वो लेकर हम कहाँ जाएंगे, कहाँ फेंकेंगे? सरकार हमारा बंदोबस्त करे पहले, उसके बाद हम उजाड़े। 30 बरस से रह रहे हैं शांतिपूर्ण तरीका से रह रहे हैं, शांति को एक नोटिस भी हमको नहीं मिला है 30 बरस के अंदर, किसी तरह का भी एक नोटिस भी नहीं मिला है 30 बरस के अंदर, वो किसी तरह का भी नहीं मिला है। प्रति वर्ष किराया देते आ रहे हैं, सरकार का हर नियम को हम पालन करते आ रहे हैं, सरकार क्या करेगी ये सरकार जाने, हम नहीं जान रहे। हमारे साथ तो लग रहा है कि प्रशासन गुंडागर्दी कर रही है, प्रशासन हमारे साथ गुंडागर्दी कर रही है, यही हम सरकार से अपील करते हैं, अपने बिहार सरकार नीतीश कुमार जी से अपील करते हैं कि हमारे साथ गुंडागर्दी हो रहा है, ये मीडिया निकलना चाहिए ये मीडिया में। बक्सर की आवाज है, बक्सर की आवाज को दबाया जा रहा है, कुछ गुंडे कुछ आपराधिक तत्वों के साथ मिलजुल कर, कुछ गुंडा कुछ आपराधिक तत्वों के साथ मिलजुल कर ये जो है कार्यनामा किया जा रहा है। ये बक्सर का न्यूज है, बक्सर के लोगों हक अधिकार को छीना जा रहा है, ये बाहर से लोग आकर हमें बर्बाद कर रहे हैं, इसमें सोचना होगा, बक्सर के हर निवासी को सोचना होगा।
ये क्या हो रहा है? हमारी न्याय कहाँ गई? हमारी न्याय व्यवस्था कहाँ गई? हम आज तरफ के साथ को